नमस्कार आपण देखुछन्ति अर्गस न्यूज मध्यान खबर को स्वागत करुछु आथरे प्रथम हेडलाइंस राज्य रे कोविड स्थिति नै जनस्वास्थ्य निर्देशकक सूचना कहिले दैनिक 50,000 टेस्टिंग पई रहिछ टार्गेट घरै हॉस्पिटल रे 50% बेड रिजर्व पई निर्देश दक्षता विकास और शिक्षादान नारे ओडिया युववर्ग को ठकी राज्य सरकार को लेखाश्री टार्गेट कहले सीएचई रिपोर्ट रे धरा पड़ा 568 कोटी टंकार हेरफेर विवाद में पंचायत राज सचिव कोरोना मुकाबला अंटा फिड़िले प्रधानमंत्री 10 अधिक प्रभावित राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना अक्सीजेन सप्लाई उपरे सबुठ अधिक गुरुत्व गैस निर्माता कथा जलपथ दे ओडिशा आसीपारंती प्रवासी 18 मेराइन स्टेशन रे कड़ा चेकिंग फिश लंटिंग स्टेशन रे बढ़िला सुरक्षा नियम न माने बोट आसिल हेबो सिच राज्य राज्य 6215 पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 3604 लोकल केस 2611 खोर्धारु सर्वाधिक 950 पॉजिटिव पुणी 8 जनक जीवन नला महामारी महाराष्ट्र विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल रे बड़ घटना आईसीयू रे निया लागे 13 रोगी जीवंत दग्ध शोक प्रकाश कले मोदी मृतकों परिवार को 2 लाख आहत को 50,000 सहायता घोषणा केन्द्र कोयला व खनि मंत्री को पत्र लिखिले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तालचेर एमसीएल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल भाव कार्य करने को अनुरोध 100 वेंटिलेटर व्यवस्था पर चिठी उल्लेख एवं ब्रह्मपुर पुणि फेरला बाउंस बैरिकेड महानगर निगम अंचल परिवा हाट और दुकान सामने अवरोध सामाजिक दूरता रखी ग्राहक किणवे सामग्री संपूर्ण खबर को चाकरी नारे ओडिशार युववर्ग को ठकी देले सीएचई रिपोर्ट रे पदारे पड़ा राज्य सरकार का सत नियुक्ति नारे 568 कोटीर हेरफेर करिछन्ति ओडिशा सरकार सांबादिक सम्मेलन में अभियोग आणवा सह बीजेडी उपरे बरसिछन्ते बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजन संपूर्ण अर्थ को हरिलुट कर 9 वर्ष है पंचायत राज विभाग दायित्व में रही मंत्री प्रताप जेना और सचिव डीके सिंह से भूमिका को नहीं भी प्रश्न उठाई बीजेपी ओरमास मुख्य वीएन दास निज पदर 21 वर्ष है जेतिकी वर्ष बीजेडी आयुष सेतिकी वर्ष तांकर कार्यकाल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग एजेन्सी को नहीं मध्य टंका हरिलुट कर सीएजी रिपोर्ट उपरे बाहरी थिबा ओडिशा सरकार करो युवक मानंकु जो दीर्घ दिन धरिकी भंडा जाइछि युवक मानंकर नियुक्ति नारे तांकर कौशल विकास एवं नियुक्ति नारे ओडिशा सरकार जो युवक मानंकु ठकी चंती भंडे चंती एवं 568 कोटी टंकार हेरफेर करिचंती मु कहबा पई कि चाहूची एई थरकर जो सीएजी रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट दे चंती स्पष्ट भावरे उल्लेख रही केमिति 2014 मसीहा पाखुरु जेबेठू प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आसला ये होची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो थे देशर ग्रामीण युवक मानंकु ट्रेनिंग दिया जिवो तांकर कौशल विकास हबो एवं तांकु नियुक्ति दिया जिवो तांकर प्लेसमेंट करा जिवो किंतु दुख परितापर विषय ये केंद्र सरकार राज्य सरकार 60-40 स्कीम होता बेले राज्य सरकार रो जो विभाग ये इम्प्लीमेंट करुची पंचायतीराज विभाग संपूर्ण भाव रे ये पूरा पैसा को हरिलुट करचंती हेरफेर करचंती एवं युवक मानंकु नियुक्ति दबारे संपूर्ण भाव रे विफल होईचंती। कोरोना मुकाबला पई अंटा फिड़िले प्रधानमंत्री 10 जिलार मुख्यमंत्री सह कले आलोचना खासकर ऑक्सीजन सप्लाई व बेड संख्या को अधिक गुरुत्व देइचंती प्रधानमंत्री कोरोना संकट काल रे सबु राज्य रे किभली ऑक्सीजन रो अभाव न होए ता उपर गुरुत्व दिया जाय छे ऑक्सीजन गैस निर्माता सहमत कथा होती मोदी बैठक में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटक केरल छत्तीसगढ़ और दिल्ली परी राज्यर मुख्यमंत्री सामिल होते सेपटे पश्चिमबंग में होगा राली को बातिल करी मोदी कोरोनार भयावहता को देखि एभली निष्पत्ति निया
जलपथ दे ओडिशा आसी परंतु प्रवासी एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कला समुद्र तट सुरक्षा बल 18 मेराइन स्टेशन रे चेकिंग चली फिश लॉन्ड्रिंग स्टेशन रे सुरक्षा बढ़ाई दिया जाय छे मेराइन स्टेशन रे पेट्रोलिंग चलुछि एवं सब बोट रे चेकिंग चलीछि प्रत्येक थाना रे सागर रक्षक दल बाहर जलपथ दे आसुथिबा लोकों विषय रे सूचना देउछन्ते राति रे मोटर साइकिल रे पेट्रोलिंग चलुछि बाहर कोनोसे बोट आसिले बोट सीज हेब आसीथिबा लोकों संपर्क रे खबर दिया जाय सेमानंको क्वारंटाइन रे रखा जेबो जदि कोनोसे बोट नियम न माने नियम भांगती ताहले कार्यानुष्ठान हेबा सह बाहर आसीथिबा बोट को सीज कराचिबो बोली कहिछते रेलवे वो कोस्टगार्ड सिक्योरिटी एडीजी रेलवे स्टेशन दुईटा जाक आम पूरा पूरी सतर्क रही प्रत्येक रेलवे स्टेशन तो आज जानते जो मैंने सब आसुलार चेकिंग होता छाड़ा कोस्टल एरिया रे जो आम मेरेन पुलिस स्टेशन अच्छी प्राय 18 मेरेन पुलिस स्टेशन अच्छी जो जगह पाखापाखि फिश लैंडिंग सेंटर सब अच्छी जो जगह नॉर्मली बोट सब आसे और बोट जाए सेगुड़ा सब आम बढ़े तार मान डिप्लॉयमेंट आमर प्रत्येक फिश लैंडिंग सेंटर में होमगार्ड से डिप्लॉय होती किए कौन आसुच्च न आसुच्चर सतर्क दृष्टि देखापी मेरेन पुलिस स्टेशन गुड़ाक रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे अगर कौन बोट जदि सब बोट जो मैंने सब आसूस फिशिंग बोट्स गुड़ाक सब चेकिंग करेंगे जो मैंने आसुच्चा भितर से बोट सब चेकिंग करेंगे ताछड़ा आमर प्रत्येक थाना गोटे सगर रक्षक दल बोली गोटे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आम क्रिएशन करूँ से गाँव रखापाखि गाँव पिला 20-25 जन पिला आम पुलिस स्टेशन में गोटे सगर रक्षक दल बोली कराई से ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मानक आम सहित रेगुलर टच रखु किए जदि किसी जलपथ में आसला गाँ पाखापाखे इमिडिएटली तार इनफर्मेसन पुलिस को जमी आसब कहीदेचु तेणु आम एभलिया पूरा एंटायर ओडिशा कोर्ट में 18 जो मेरेन पुलिस स्टेशन अच्छे सब जगह आम सतर्क रही टेस्टिंग बढ़ा दरकार टेस्टिंग किट्र उत्कट अभाव जो टेस्टिंग आगक जापार नहीं राज्य सरकार का पदस्थ अधिकारी माने टेस्टिंग किट वो पीपी किट परिमाण बढ़ात वो दैनिक लक्ष्य टेस्ट करतु बेंगलु और ओडिशार बॉर्डर में 100 गला बाट रही तेणु सबू बाट को जगवा दरकार बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर भद्रक जिले में मोबाइल भ्यान अधिक बुलवा दरकार सबू स्टेशन रेल न रहो आईचे स्तर रे ऑफिसर मुतयन कराउ महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात रे ओडिशार पिला दयनीय भाव मृत्युवरण करुछन्ते बेड नहीं चिकित्सा मिलूनी तेणु विभिन्न राज्य प्रवासी चारोटी ओडिशा भवन को 24 घंटा नियंत्रण कक्ष भाव व्यवहार कराउ टोल फ्री नंबर जारी करी सहयोग दियाउ कोरोना योद्धा स्पहा कमी से इनसेंटिव व्यवस्था कराउ गणमाध्यम प्रतिनिधि को सम्मुख योद्धा घोषणा करने सह टीका दिया बोली कहते विजय महापात्र भारत बर्षर 6 हाइकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट एथिपाई उद्वेग प्रकाश कर फल केन्द्र सरकार राज्य सरकार समस्ते सक्रिय ओडिशा ऑक्सीजन रो जो संकट थला दिल्ली रे महाराष्ट्र रे ओडिशा पठेकिरे ओडिशा मुख्यमंत्री को समस्त धन्यवाद देचंती ओडिशा से दृष्टि रो ओडिशार पदक्षेप निश्चित भाव प्रशंसनीय एभली एक विपज्जनक संकटजनक अवस्था समय रे टेस्टिंग परिमाण को बढ़ा जावा दरकार बढ़ेला बेले गोटे समस्या आम पाखे अच्छी भावुची राज्य सरकार पदस्थ अधिकारी मैंने बुझिथे टेस्टिंग किट आम पाखे ना टेस्टिंग किट्र उत्कट अभाव आमर टेस्टिंग आगक जापना राज्य आज 6215 कोरोना पजिट चिन्हट होती चिन्हट संक्रमित क्वारंटाइन रु 3604 लोकाल केस रही 2611 खोर्धा जिलूार सर्वाधिक 950 पजिट चिन्हट होती सुंदरगढ़ 684 कलाहांडी 682 नुआपड़ 446 कटक 383 पुरी 306 बरगढ़ 268 झारसुगुड़ 261 संबलपुर 263 नवरंगपुर 257 बलांगीर 211 अनुगुल 173 संक्रमित चिन्हट होती
यासह राज्य में मोट संक्रमित संख्या 394,694 पहुंची। एक्टिव केस 39,117 रही। ऑक्सीजन अभाव दिल्ली में 25 कोरोना आक्रांतों मृत्यु। गंगाराम हस्पिटाल घटी अभावनीय घटना। ऑक्सीजन अभाव मेडिकल गत 24 घंटा मध्य 25 जनक मृत्यु होती। मेडिकल ऑक्सीजन पर अनुरोध करते आज सका गंगाराम हस्पिटाल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सेपरी मेक्स हस्पिटाल को भी ऑक्सीजन सप्लाई करा जाय छे। आज दिल्ली में 26,169 केस सामना को आसी। प्रतिदिन कोरोना आक्रांतों संख्या द्रुत गति में बढ़ी चलता बेले किसी मेडिकल ऑक्सीजन अभाव देखा दे। गत किछि दिन तले निजे मुख्यमंत्री केजरीवाल भी लॉकडाउन घोषणा करथिबा बेले एक कथा को स्वीकार करथिले। कोविड हस्पिटाल अग्निकाण्ड घटी 13 जनकर मृत्यु होइछि। महाराष्ट्र पालघर जिलार विरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ कोविड केयर हस्पिटाल बड़ घटना। भोर 3:15 मिनिट्रे आईसीयू यूनिट रे प्रथमे निया लागि जाइथिला। घटनास्थल रे अग्नि निर्वापक टीम पहुंचि निया लिभाइथिले। सकाळ 5:30 मिनिट बळकु एही निया लिभिथिला। मोट 17 जण आईसीयू रे थिले। एजाबत 13 जणकर मृत्यु होइथिबा बळे बाकी 5 जणकु आउ एक हस्पिटाल को स्थानांतर करा जाइछि। सेपटे घटना रे दुख प्रकाश करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एहा सह मृतकंक परिवार को 2,00,000 टंका लेखा एवं गुरुतरंक पई 50,000 लेखाए सहायता राशि घोषणा करिछन्ते प्रधानमंत्री। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी ऑटो रिक्सा रे केवल 2 जन यात्रियों परिवहन हो पारिबो बोली सरकार गाइडलाइन रे उल्लेख करिछन्ते। सरकार को एही निष्पत्ति को घोर विरोध करिछन्ते गुणुपुर ऑटो चालक संघ। वर्तमान तैल दर जहाँ एथिरे 2 जन यात्रियों परिवहन करी गाड़ी चलाचल करिबा संभव नुहे। महामारी परिस्थिति रे कटकणा मध्यरे गाड़ी चलाई परिवार प्रतिपोषण करिबा असंभव। एहाको विरोध करी आज शहर रे ऑटो चलाचल बंद रखिछन्ते संघ। एने प्रशासन पुनर्बार विचार न कले आसंता सोमवार ठारु ऑटो चलाचल संपूर्ण बंद रहिबो बोली कहा जायछे। केन्द्र कोयला और खनि मंत्री को पत्र लिखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तालचेर एमसीएल हस्पिटाल को कोविड हस्पिटाल भाव कार्य करने 100 वेंटिलेटर व्यवस्था पर अनुरोध कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। अनुगुल जिले में बढ़ुवा कोविड मामला परिप्रेक्षी में केन्द्र कोयला और खनि मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखिंट जिले में मेडिकल भित्तिभूमि को कार्यक्षम करने अत्यंत आवश्यक धर्मेन्द्र निज पत्र उल्लेख कर। कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक ओस्त नारायणपुर गांव में भयावह अग्निकाण्ड। देवेन्द्र पट्टनायकों घरे निया लागि लक्षाधिक टंकार संपत्ति पोड़ी पाउंस हो जाए। सर्ट सर्किट जोगु एही निया लागिथिबा सूचना मिली। खबर पाई अग्निशम बाहिनी पहुंची एक घंटार परिश्रम पर नियायत होता। गंजाम जिला धराकट थाना पंकलपाड़ी गांव पाख ऋषिकुलिया तटे बेधड़क चली बालीचोरा चलाण फल गांव में पानी जल समस्या सांग को ग्रामवासी बहु असुविधार सम्मुखीन होती। एने प्रशासनिक अधिकारी निकट में अभियोग कले कौन सुफल मिल ना। शेष आज ग्रामवासी यह विरोध कर नदीकूल में तीनोटी जेसीबी सतट ट्राक्टर को अटक रखी। घटनास्थल में धराकट पुलिस पहुंच लोक बुझासुझा कर। विशिष्ट मंच और चलचित्र कलाकार रतिकांत बेहरा दुर्घटनार शिकार। गुरुतर अवस्था प्रथम सोर डाक्तखाना पर बालेश्वर स्थानांतर कर। मयूरभंज जिला उदल में घटी मर्मन्तुत दुर्घटना। भद्रकु कारे फेरुवा बेले जातीय राजपथ नायक बंधठार दुर्घटनार शिकार होते रतिकांत।
ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। अनुगुल डेली मार्केट परिसर में प्रबल भिड़ पर जिलार समस्त सहरांचल को सोमवार पर्यंत सटडाउन घोषणा कले जिला प्रशासन। जिलार समस्त सहरांचल में सटडाउन को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करने को प्रशासन पक्ष उद्यम करे। सटडाउन में सरकारी कार्यालय बैंक सेवा जारी रहिबो। अन्य पक्ष तालचेर मध्य सटडाउन को कड़ाकड़ी भाव पालन करहर नवमिश्र कलोनी को कंटेनमेंट जोन कर। पुणि थरे फेरिला बाउंस ब्यारिकेड। ब्रह्मपुर महानगर निगम में प्रत्येक परिपा बजार एवं उठा दोकानी बसुवा रास्त ब्यारिकेड लोकों भिड़ को देख महानगर निगम एभली पदक्षेप नहीं। सहर विभिन्न वेंडिंग जोन में निर्माण बाउंस ब्यारिकेड गत वर्ष भली बाउंस ब्यारिकेड बाहर रही ग्राहक जिनस कि पथर खणी गलीपड़े जड़े व्यक्ति मृत्यु को नहीं उत्तेजना। क्षतिपूरण दाबी से शप रखे नयागढ़ भंजनगर रास्ता अवरोध कले स्थानीय लोके। ओडगा थाना कोमुंड ठारे जन असंतोष। कोमुंड गाँ हरिजन साहिर मंगुलू नाहक 30 फुट गभीर खणी कातरे गलीपड़े। ग्रामवासी माने गुरुतर अवस्था तांकु जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करथिले किंतु डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। शव व्यवच्छेद पर ग्रामवासी शप रखि रास्तारोक करथिले। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटनास्थल में पहुंच उत्त्यक्त लोकों बुझासुझा करने रास्ता अवरोध हटिता। कैंसर पीड़ितों चिकित्सा पर जिलापा भेटी दाबीपत्र प्रदान करने को दावी कला बरगड़ फाइटर्स ग्रुप। कैंसर सर्भाइवर तथा फाइटर्स ग्रुप्र तीनजिया प्रतिनिधि दल बरगड़ जिलापा साक्षात करी एने आलोचना करी। महामारी समय कैंसर पीड़ित मैंने निजर चिकित्सा पर हस्पिटाल जापारती तेणु मसने गोटे दिन कैंसर स्पेशलिस्ट मान डक चिकित्सा प्रदान करने दावी करते। अंपक्षे विषय में संपुक्त विभाग को पत्र लिखापी जिलापाल प्रतिश्रुति देखते। खोर्धा जिला टांगी में मास्क चेकिंग बेले चोरा बाइक जबत। कोरोना मुकाबला सरकार कड़ाकड़ी नियम कर जिला पुलिस विभिन्न स्थान रे लोकों मास्क चेकिंग करिबा सह गाड़ी मोटर कागज पत्र चेकिंग करुछे। चेकिंग समय टांगी थाना पुलिस पांचटी चोरा बाइक जबत करी तदंत आरंभ करिछे। बाजिछे सहा नाई आउ मथरे सिंदूर नाई शाशुघर जाइछन्ते जलकन्या सोनी। कुसमेल गाँ लोके जो छत्तीसगढ़ झील को महानदी जलर उद्धार कर ओडिशार झील भाव ग्रहण करते से ही ग्रामवासी उद्यम स्थानीय विधायक सोनी को कन्यादान कर छत्तीसगढ़ को बहु भाव फेर आत्महरा होती। घर आगे सजा जा रंगोली कांथरे शुभ परिणय छवि फूल प्रदीप आ कलशे सुशोभित उठी विवाह मंडप बहु बेसरे सजी हुई खूब सुंदर दिशुची सोनी और द्रौपदी। कुसुमेल ग्रामवासी निमंत्रण से कन्यादान उपस्थित अच्छा स्थानीय विधायक किशोर महांती और तांको पत्नी जलकन्या सोनी को विवाह पाई एभली आयोजन में व्यस्त रही कुसुमेल गाँ गाँव उत्सवर परिवेश उपस्थित अच्छा उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ निमंत्रित अतिथि। घंट घंटा हुलाहुलीर निनाद और पुरोहितों मंत्रपाठ सहित पड़ी हाथगंठी और बरकन्या परस्पर को पिंधाऊ फुलहार। कन्यादान पूर्वक झील को नाना प्रकार उपहार देखते ब्रजराज नगर विधायक किशोर महांती और तांको पत्नी अलका महांती। अलका कहते
ମୋର ଆଗରୁ ଝିଅ ଅଛି, ସୋନି ଏବେ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲା, ତାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲୁ, ଏବେ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝିବୁ। ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସୋନିକୁ ବାହା ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମହାନଦୀରୁ କୁସୁମେଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କନ୍ୟାଦାନ କରି ମୁଁ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଗାଁବାଲାମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାଁବାଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାକୁ କନ୍ୟାଦାନ ଦେବୁ ଆଉ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଝିଅ ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ୟାଦାନ ଦେଲୁ ମାନେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ତ ବୁଝିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୋତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଜଳକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଝିଅଟି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ସାଜିବ ବୋଲିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଧାରଣା, ଏବଂ ଆମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଜାଗାରୁ ବିଦା ଦେବୁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଝିଅ ଏହି ସୋନି, ପୁରା ନାଁ ସୋନି ଯାଦବ। ପିଲାଦିନୁ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମାଉସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ସହିତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଚନ୍ଦରପୁରର ଚନ୍ଦ୍ର ହାସିନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ମହାନଦୀର ଜଳରେ ପଡ଼ି ଚେତା ହରାଇଥିଲେ। 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭାସି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କୁସୁମେଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୋନିକୁ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗାଁର ସନ୍ୟାସ କାଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇ ରହୁଥିଲେ ସୋନି। ଏବେ ସୋନି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆବେଗିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଳିତା ପିତା ସନ୍ୟାସ। କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମୋ ଘର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ତେଣେ ବେଦିରେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋନି। କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ବାପା ମା ମିଳିଥିଲେ, ଭାଇର ସ୍ନେହ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି। ଏବେ ଏଠୁ ବାହା ହୋଇଯିବା ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସୋନିର ହାତ ଧରିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପତ୍ନୀ ପାଇଛି। ଯାହା ପରକା ବଡ଼ା ଭାଇ ମମ୍ମି ପାପା ସବ ଲୋକ ଭାଇ ବହନ ସାଥୀ ସବ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲନେ କେ ଲିଏ ବୋଲେ ସିଖାଏ, ଫିର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲନା ଭି ଶିଖ ଗଈ। ବହୁତ ଖୁସି ଲଗ ରହା ହେ, ଏକ ଏକ ମମ୍ମି ପାପା ଯୋ ମୁଝେ ଜନ୍ମ ଦିଆ ଥା, ଅଭି ଏକ ଅର୍ ମାଆ ବାପ କେ ବଦଲା ମେ ଅର୍ ଏକ ମାଆ ବାପ ମିଲା ହେ। ଗାଁ ବାଲେ ସବୁ କହିଲା, ସେ କିଶୋର ଦାଦା ଘରକେ ଯାଉଁ, ତାହାକୁ ଯେନ୍ଟା କହମା କହିଲେ ଗଲୁ, ସେ ସବୁ ଦେମି କହିଲେ, ଯେନ୍ ବିହା ବର କରିକିରି ତାହାକେ ଦେଉଛୁ, ଯେତ୍କି ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ସେତ୍କି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛେ, ଘରଟା ତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗ୍ବା। ଏଛେନ୍ ଗୋଟେ ଘରକେ ଯାଇକିରି ଭଲ ହେଇକିରି ତାର ଜୀବନଟା ଖୁସ୍ ହେଇକିରି ରହୁ। ଭାଗ୍ଟା ହେ ବଞ୍ଚ ଗଏ ଅଛି ବାତ ହେ ଏସି ସଂସ୍ଥା ଥା, ଆର୍ ମେରେ କୁ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ହୁଁ କି ମେରେ କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଁ ଯୋ କି ମେରେ କୁ ଏସା ପତ୍ନୀ ମିଳ ରହୀ। ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଆମର ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବହୁ ହୋଇ ଲେଉଟିଛି ସୋନି। ଓଡ଼ିଶା ଜଣାଇଛି ଆଶିଷ, ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଝିଅ ସୋନି ସେତୁଟିଏ ହେଉ କାମନା କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିବା ବିଧାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ ଏଠି ରଖୁଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।